नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी भाई चैनल से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं छापर में राजकुमार जी रेणुआ के कार्यालय के अंदर, जिसमें राजकुमार जी के लड़के यहां पे आए हुए हैं, और सुनिए उनकी जानकारी। ये आपका शुभ नाम? मेरा नाम शरीफ मोहम्मद है। हम लोग पेड़ीवाल धर्मशाला के अंदर, ये राजकुमार जी रेणुआ का कार्यालय है। जिस दिन से उद्घाटन हुआ है उसके बाद में लोगों के चेहरे पे जो खुशी है, यहाँ पर जो हुजूम था, गांव वालों की रेणुआ जी के प्रति जो प्रेम है वो आज भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है, और इसी वजह से गांव में, पूरे गांव में उत्साह का माहौल है। बाकी सभी पार्टियाँ रेणुआ जी के सामने चित होती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे भाई जी विकास जी रेणुआ हमारे मार्गदर्शन के लिए आए हुए हैं इस पेड़ीवाल धर्मशाला में। हम सभी कार्यकर्ता उनके साथ में जुड़े हुए हैं और इनसे रिपोर्ट ले रहे हैं कि आगे अब गांव में और में क्या माहौल है। ये बता रहे हैं हमें कि जो भी जहां भी जाते हैं वहां हुजूम उमड़ रहा है। भाई जी के प्रति लोगों का इतना प्रेम और इतनी मोहब्बत है कि लोग हजारों की तादाद में चले आ रहे हैं, और हमें भी ऐसा लगता है कि ये हुजूम किसी भी कैंडिडेट को टिकने नहीं देने वाला है। मुझे तो यही लगता है कि ये ट्रैक्टर है ना, ये ट्रैक्टर पार होने वाला है, और बाकी जो है वो उंधे खाने चित पड़ने वाले हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई विकास जी रेणुआ को कि ये हमारे बीच में आए हैं और हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। आगे की रणनीति की ऊपर चर्चा हो रही है। बहुत ही अच्छा माहौल है। धन्यवाद। अब हमारे बीच हैं छापर के विद्वान पंडित गिरधारी लाल जी शर्मा, बीजेपी कार्य राजकुमार जी रेणुआ जी के कार्यालय के अंदर। सुनिए। नमस्कार आप सभी को। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया, रेणुआ जी के समर्थन में सारा छापर लगा हुआ है तन मन से। जिनको रेणुआ जी की बदौलत से जिन्होंने बनाया, चेयरमैन बनाया, पार्षद बनाए, आज वो अध्यक्ष बनाए, उपाध्यक्ष बनाए, और वो सब आज रेणुआ जी से दूर हो गए हैं, और उनका जो एहसान प्रेम उनको वो लोग भूल गए हैं। उनको सोचना चाहिए कि जिन्होंने हमें बनाया, इस मकसद तक पहुंचाया हमने, और उन्हीं को हम भूल रहे हैं, भाई हमारी बहुत बड़ी गलती है। और ये 36 कौम की काम आने वाले हैं। ये पशुपतिनाथ मंदिर की रोड बहुत बार चेयरमैन, यहाँ तक कि सब लोगों को हमने बोला बनाने का, हर तक आगे तक गए हम, लेकिन किसी ने भी इस रोड के बारे में नहीं सोचा। और रेणुआ जी ने ही इस रोड को बनाने में अपना पूरा समर्थन किया, और अपने MLA कोटे से, विधायक कोटे से इसको रोड को पास करवाया था, और ये रोड रेणुआ जी ने बनवाई थी मंदिर की। आज सारे यात्री आते हैं तो बड़े खुशी से कहते हैं कि ऐसा नेता आज तक हमने भारत सरकार, राजस्थान सरकार में नहीं देखा है। और मैं यही चाहता हूँ कि आप सब जितने भी भाई बंधु हैं, जो भी यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, वो जरूर रेणुआ जी का समर्थन करें, और ऐसे संत महान पुरुष जैसे रेणुआ जी है वैसे कोई नहीं है, और न तो कांग्रेस के अंदर है, न अब बीजेपी के अंदर रहेंगे। जो किया है हमारे मैडम ने, वसुंधरा जी ने जो किया है वो सही नहीं किया, बहुत गलत किया है, उनको भुगतना पड़ेगा। और अपनी सरकार बनाने के लिए इनके रेणुआ जी के सामने अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी। रागनी मैं बताता हूँ भाई साहब आपको, मैडम ने भाई साहब को निकाल के इतना गलत काम किया है कि मैडम की सरकार ही नहीं बनेगी, मैडम आप। और जे अगर मैडम की सरकार बन जाए तो मैडम हमसे से हमारे बाल काट लेना, से हमें जूते मार लेना। नहीं बनेगी, मैडम खुद हारेगी।
जबरदस्त उत्साह है रेणुमा जी के कार्यालय में। कार्यकर्ताओं का उत्साह देख के बहुत मन प्रसन्न हुआ है। और मैं ये देख रहा हूँ कि ठीक है, जो बड़े बड़े जैसे मंडल अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो तो बीजेपी में है अभी, लेकिन जो जनता है, जो छोटे कार्यकर्ता है, जिस पे और जिसको बीजेपी में बोला करते थे कि ये रीढ़ की हड्डी है, वो रीढ़ की हड्डी सारी राजकुमार रेणुमा के साथ है। मेरे को देख के बहुत मन प्रसन्न हुआ। यहाँ ये चर्चा कर रहे हैं कि जितने भी वार्ड है सब वार्डों में एक एक टीम निकल जाए और हर शख्स राजकुमार रेणुमा बन के और चुनाव लड़े और राजकुमार रेणुमा को खूब लंबे मतों से बहुत भारी अंतर से विजय दिलाएं। और मैं यही कहने आया हूँ, सब कार्यकर्ताओं से मिलकर मन प्रसन्न हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।